फरजंद में जो कैरेक्टर मैंने प्ले किया कुंडा जी फरजंद का, और वो एक बहुत ही यंग थे, एक फ्रेश थे, और फतेह शिकस्त में मैं येसा जी कंख का कैरेक्टर कर रहा, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, बिकॉज येसा जी कंख के लिए मैंने वेट गेन करा है, अपनी लुक को ट्रांसफॉर्म करा है, और कुंडा जी फरजंद का ट्रांसफॉर्मेशन अलग था। और सबसे पहली बात मैं कहनी चाहूँगा कि आई फील आई एम अ चोजन सोल, कि दिग्पाल के थ्रू एक ऐसी हिस्ट्री से एसोसिएट होना और ऐसे कैरेक्टर और लेजेंड को पोर्ट्रे करना जिन्होंने हम सब के लिए और हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए बहुत कुछ करा है, और तो कोशिश ये है कि अगर उनका 1% भी जो रियल लाइफ में रहे हैं, अगर वो रियल लाइफ में हम जस्टिस के साथ पोर्ट्रे कर दें, तो आई गेस वो सबसे बड़ी जीत है हमारे लिए। तो कहीं ना कहीं दिग्पाल को फरजंद में कहीं ना कहीं रिस्क था, बिकॉज एक नॉन महाराष्ट्रियन बैकग्राउंड का एक एक्टर मराठी बैकग्राउंड को प्ले कर रहा है, एंड दैट वाज दिग्पाल्स फर्स्ट फिल्म। तो बट जब दिग्पाल ने वो कॉन्फिडेंस दिखाया, वो फेथ दिखाया कि नहीं अंकित तू कर सकता है, तो मैंने कहा अगर ये फेथ दिखा रहा है तो फिर मेरा इसको फेथ पे देना है, इसका रिटर्न मेरा हक बनता है। तो फरजंद का जो भी हमारा होमवर्क था, हम सुबह वेपन्स ट्रेनिंग करते थे, फिर मैं 4 घंटे जिम करता था, फिर डाइट लेता था, फिर रीडिंग करता था, फिर शाम को फिर 4 घंटे जिम करता था, फिर रात को दिग्पाल के साथ बैठ कर रिहर्सल्स करता था, सो ऐसे डेज जाते थे। तो उसका सपोर्ट थोड़ा सा फतेह शिकस्त में एक ये हुआ कि हम वेपन्स ट्रेनिंग जो पहले कर चुके थे उसको हमने इसमें पॉलिश किया है, एक अलग तरीके की वेपन्स ट्रेनिंग डाली है इसमें। और जब मुझे दिग्पाल ने बताया कि मैं येसा जी कंख का कैरेक्टर तुम्हारे लिए सोच रहा हूँ, तो मैंने को उसने बताया कि येसा जी कंख कौन थे, तो कहीं ना कहीं आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ कि यू नो ऐसी हिस्ट्री की नॉलेज नहीं है, बट कहीं ना कहीं आई एम फीलिंग ब्लेस्ड ऑल्सो कि दिग्पाल के थ्रू ये अवेयरनेस मिल रही है कि कोंडा जी फरजंद ने ये किया था, 60 लोगों की टीम को लेके 2,500 लोगों को हराया था, येसा जी कंख ने ऐसा किया था। जब उसने बताया कि येसा जी कंख ने एक एलिफेंट को डिफीट किया था, तो मैंने कहा था ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, इसको तो करने में और मज़ा आएगा। तो दिग्पाल ने वैसी चीज़ें फिल्म में डाली भी हैं, चाहे वो खंभा उखाड़ने से लेकर हो, या तोप कंधे पे लेके जाने से हो, या दीवार तोड़ने से हो, या लोगों को उठा के पटकने से हो, या घोड़े के ऊपर से जंप हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें दिग्पाल ने इसमें डाली हैं, और वो करने में मुझे बहुत मज़ा आया। थोड़े बहुत प्रैंक करे दिग्पाल ने और लोगों ने मेरे साथ, क्योंकि मेरे को डेली बोला था कि खंबा उखाड़ने वाला सीन आज करेंगे, एंड आई गॉट रियली एक्साइटेड कि आज कुछ करने को मिलेगा, एंड मैं जाऊँ वो कह रहे नहीं आज नहीं कल करेंगे, और फिर मैं उदास हो जाऊँ। फिर मैंने कहा अच्छा, फिर एक दिन मैं सेट पे गया, मैंने कहा आज करेंगे, कह रहा यार वो खंबा वाला ना सीन कैंसिल करना पड़ेगा, और मेरा मुँह उतर गया छोटे बच्चे से, ऐसे कुछ उसके खाने की चीज़ छीन ली हो, मैं ऐसे बैठा हूँ चुपचाप, मैंने कहा दिग्पाल। फिर फाइनली उन्होंने प्रैंक ब्रेक किया कि नहीं हम खंबे वाला सीन कर रहे हैं और वो फिल्म में है। सो आई मीन आफ्टर फरजंद वी ऑल वर्क लाइक अ फैमिली। जैसे एक इंसिडेंट था कि हम राजगढ़ फोर्ट को हमने क्लाइम किया, तो बहुत सारे एक्टर्स मतलब एज अ पर्सन होते हैं कि अनकम्फर्टेबल सिचुएशंस में वो उतना कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं शूट्स को लेकर, बट हम जितने भी लोग गए थे, हम फरजंद में भी काम कर चुके हैं, तो उसका बॉन्ड हमारे को यहाँ पर हेल्प करा कि वहाँ पर कोई आपके पास लग्जरी नहीं थी, कोई वॉशरूम्स नहीं थे, कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, नो मेकअप रूम, नो वैनिटी, नथिंग, मंदिर की ज़मीन पे सोना था और खाना भी वो देसी मिल रहा था, तो वो सब चीज़ों को भी हमने फेस करा है, वो सब चीज़ों को भी हमने फील किया है। एंड द बेस्ट पार्ट कि जिस रियल लोकेशंस पे हम शूट कर रहे थे राजगढ़ फोर्ट के ऊपर, तो वहाँ पहुँचने के बाद मुझे कहीं ना कहीं वो एक इमोशनल मोमेंट हो गया था कि यहाँ पे उन लोगों ने हमारे लिए किया है, आज उन लोगों का किया हुआ है तभी हम लोग पीसफुल लाइफ जी रहे हैं। तो वो उस एयर में एक अलग फीलिंग थी, वो लोकेशंस पे, वहाँ पे उस कॉस्ट्यूम में वॉक करना, हमारा एक इंटरवल का सीन है जहाँ पे हम सब हर हर महादेव चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि वी ऑल आर इन द गेटअप्स, बट स्टिल वी आर प्लेइंग अ रियल कैरेक्टर्स, कि मुझे फील हो रहा था 2 मिनट के लिए कि मैं कहीं ना कहीं येसा जी कंख हूँ, जो एक इमोशनल मोमेंट में हम कनेक्ट हो गए थे एक दूसरे के साथ। तो आई मीन इट्स अ वंडरफुल फीलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ द सेम टीम अगैन।
आई गेस ये जर्नी स्टार्ट हुई थी लैंग्वेज की फर्जन से. तो दिखपाल को मैंने बोला था कि तुम्ही फकस्त बोर्ड दाखवाए थे आम्ही उड़ी घेच. मैंने उसको बोला तुम जो बोलोगे मैं वो कर दूंगा, तो बस मुझे बोलो क्या करना है. तो दिखपाल ने मुझे ऑडियो नोट्स व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेजे थे. तो मैं ड्राइव करते वक्त, कुकिंग करते वक्त, डॉग से खेलते वक्त, वॉक करते वक्त, ग्रोसरी शॉपिंग करते वक्त, भगवान की पूजा करते वक्त, हर चीज़ करते वक्त मैं वो सिर्फ ऑडियो नोट सुनता रहता था. तो वो कहीं ना कहीं वो मैंने अपने अंदर बसा लिए. तो दिखपाल की वॉइस को सुनना, किस वर्ड पे कितना प्रेशर है, किस लाइन का क्या मतलब है, तो वो सब चीज़ों में उसने मुझे स्क्रिप्ट में भी हेल्प करा कि मेरे डायलॉग्स जो मराठी में थे उसका ट्रांसलेशन हिंदी में दिया, सो दैट मैं जो हिंदी में लिखे थे उसको मैंने इमोशन समझ लिए और मराठी वाली लैंग्वेज को मैंने याद कर लिए. तो वो सब चीज़ों की बहुत बड़ी हेल्प हुई. और अभी फतेह शिकस्त में भी सेम चीज़ हुई, उसने डायलॉग मुझे लिख के दिए. तो इस बार मुझे एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला दिखपाल ने डबिंग पे कि क्या डबिंग करी है तूने. तो आई गेस ये कहीं ना कहीं लैंग्वेज के लिए मेरे अंदर चीज़ें आ रही हैं. डोंट वरी, नेक्स्ट फिल्म में हम इंटरव्यू पक्का मराठी में करेंगे. दोघ जण पडले इकडे मागून, आपण तुम्हाला बॅक फॉलो करतो. तू आगे आएगा, ये इधर डाल दे, आगे इधर डाल. और यहाँ पे डिफ्यूजन डाला है, यहाँ पे आके इसने बोला है डिफ्यूजन डालने के लिए. सीटी और डिफ्यूजन अंदर गए 4K पे, सिर्फ सीटीओ हाफ रहेगा, कोई डिफ्यूजन नहीं रहेगा. अभी डिफ्यूजन निकाल दीजिए, होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं वापस करता हूं. अगर चढ़ गया तो विक्रम भी फोन, ओके मिला कर लो विक्रम. डर गए एक हम सीन कर रहे थे जहाँ पे हरीश का डांस सीक्वेंस था, वो जोगा वाला. तो वो एक ऐसे फ्लोर पे डांस कर रहा था कि जहाँ पे बहुत धूप थी और धूप की वजह से वो पत्थर बहुत गर्म हो गए थे. तो हरीश का थोड़ा सा डिस्टर्बेंस मुझे फेस पे दिख रहा था, बट कहीं ना कहीं हम साथ में काम करते हैं तो हम एक फैमिली और एक ब्रदर्स की तरह काम करते हैं. तो मैंने खुद जाके वहाँ पे एक डांस स्टेप करने की कोशिश करी, तो ताकि हरीश को मोटिवेशन मिले कि नहीं वो कर सकता है. पीछे बैठ के हमने उसको चिल्लाया, चीखा कि यू नो कर 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 कर, उसके बेचारे के पैर छिल गए थे, सब चीज़ हो गई थी. एंड जब सारा ख़त्म हुआ तो मैंने उसको बोला कि कोई बात नहीं, तू मेहनत कर, मैं रात को तेरे पैरों पे कैलाश जीवन लगाऊंगा, डोंट वरी. तो फिर हम गए रात को रूम में, वो चल नहीं पा रहा था. दिखपाल ने उसे गोली खिलाई, मैंने उसके पैरों पर कैलाश जीवन लगाया. तो हम मतलब एक दूसरे के फ्रेंड्स बन जाते हैं, फैमिली बन जाते हैं, गार्जियन बन जाते हैं, पार्टनर्स बन जाते हैं. तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं और मस्ती मजाक तो फिल्म में जब इतने सारे लोग होंगे तो होगा ये, बट ऑब्वियस सी बात है. वो जब मुझे बताया ना दिखपाल ने कि उन्होंने एलिफेंट को डिफीट किया था, तो मुझे हरीश भी कुछ दिन पहले भी वो किस्सा बता रहा था कि वो गोलकोंडा में बैठे थे और कोई गेम चल रहा था, तो उसके बीच में वो कोई लोग हाथी को गिरा नहीं पा रहे थे. तो सामने से उन्होंने बोला कि आपके पास कौन है जो इसको हरा सकते हैं. तो उन्होंने, महाराज ने सिर्फ ईसा जी कंख की तरफ देखा और ईसा जी कंख चले गए. तो उन्होंने उसको पहले बहुत थकाया, बहुत ही दिमाग से उसको घुमाया फिराया, फिर एंड में उसको एक स्ट्रोक दिया एंड ही कोलैप्स्ड. सो आई मीन मैंने सोचा कि यार मैं इतने बड़े कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने जा रहा हूँ जिनकी इतनी पावरफुल इमेज है, तो मुझे कहीं ना कहीं जो फर्जंद का किया हुआ था उसकी जिम्मेदारी तो मेरे कंधों पे थी कि जो लोगों के एक्सपेक्टेशंस हैं, जो प्यार उन्होंने फर्जंद के बाद दिया है, वो मैं कितना मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और मैं कितना उसको और लोगों से ले सकता हूँ. तो वही सब चीज़ों के लिए जब दिखपाल ने मुझे बताया कि नहीं, इस फिल्म में मैंने 3-4 चीज़ें अलग रखी हैं ईसा जी कम के कैरेक्टर्स को और उनकी स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए, सो डोंट वरी यू विल एंजॉय. तो मैंने कहा एक्शन है ना, उसने कहा हाँ, मैंने कहा फिर आई विल एंजॉय. फतेह शिकस्त आ रही है 15 नवंबर को,
तो मेरी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्त को, बीवी को, गर्लफ्रेंड को, भाई को, पड़ोसी को, मामा, चाचा, बुआ, ताई, ताऊ, बच्चे, सबको लेके जाइए. फर्स्ट डे, फर्स्ट शो, लास्ट शो, सेकंड शो, सारे शो देखिए, हाउसफुल रखिए, लोगों को भी बोलिए, पकड़ पकड़ के लेके जाइए, बट प्लीज़ फिल्म मिस मत कीजिए. थैंक यू सो मच.